नमस्कार दोस्तों, प्यार का पहला नाम राधा मोहन का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस समय राधा और मोहन ने फैमिली समेत एक नए घर में एंट्री ली है। लेकिन दोस्तों वो घर बेहद ही ज़्यादा छोटा है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय राधा और मोहन को भी एक दूसरे के करीब जाने का मौका मिलेगा, पूरी फैमिली एक साथ भी रहेगी। लेकिन दोस्तों इधर दामिनी इस समय एक बहुत बड़ा प्रयास कर रही है ताकि उस घर के पास में भी एक नोटिस जा सके और उस घर से राधा और मोहन समेत पूरे परिवार को निकाला जाए। आप लोग जानते हैं कि दामिनी अभी भी शांत नहीं बैठी है, लेकिन वो लगातार गिरी हुई हरकत ही करती हुई नजर आ रही है मोहन के खिलाफ। क्योंकि दोस्तों मोहन के खिलाफ पहले से नहीं, बल्कि वो लगातार ही एक से बढ़कर एक एक नई नई हरकतें करती हुई नजर भी आई है। आप लोग जानते ही हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ इस तरीका से भी देखने को मिलेगा कि दामिनी अपना एक ऐसा गंदा और गिरा हुआ खेल खेल सकती है। ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि समय दामिनी का मानना यह है कि जो होता है वो सही होगा, और वो सही ऐसे होगा कि वो राधा और मोहन को अभी भी बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। आप लोग जानते ही हैं कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि समय एक और भी नया ट्विस्ट लाती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि दामिनी को जब जब कुछ होता है, आप लोग जानते हैं कि मोहन कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय मोहन सबसे ज़्यादा चिंतित इसलिए भी हैं कि दामिनी पीछे से बार ना कर दे। और वाकई में दोस्तों मोहन का शक बिल्कुल सही है, क्योंकि दामिनी वास्तविक ऐसा ही करती है, क्योंकि अपनी खुदाई में वो किसी भी तरीका से इत्याद नहीं बदलने वाली। उसको पता है कि कब क्या कैसे और क्या खेल खेलना है। दोस्तों साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने सपोर्ट किया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद।